क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फास्ट एटॉमिक रिएक्टर। ओके, इंडिया रो प्रथम एटॉमिक रिएक्टर नाम पचार जी। ऑप्शन सर दी, ऑप्शन सर अप्सरा, मेनका, साइरस, ध्रुव। ओके, तो इंडिया रो प्रथम एटॉमिक रिएक्टर नामटा कौन बोली पचार जी। एठे हमें कौन ना दीटा फैक्चुअल जिनस जानिबा, दीटा फैक्चुअल जिनस कौन ना जदि पचार जी कि न्यूक्लियर रिएक्टर, फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, ताले फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर तार बाय डिफॉल्ट आंसर हबो कौन, बाय डिफॉल्ट आंसर कौन हबो ना अप्सरा। ओके, अप्सरा। तो अप्सराटा कौन ना फास्ट रिसर्च बा एक्सपेरिमेंट बेसिस रे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ओके, फास्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर है कौन ना अप्सरा। ओके, जदि पचार कि फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो कमर्सियल पर्पज पर होता, कमर्सियल पर्पज पर होता, कमर्सियल पर्पज कौन ना कौन ना न्यूक्लियर एलिमेंट को यूज करके आम कौन करवा ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा, सेटा कौन ना कमर्सियल पर्पज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने कमर्सियल पर्पज रेटा हे कौन ना सेटा तार आंसर कौन हम ना तारापुर। ओके, तारापुर पावर स्टेशन। ओके, तारापुर पावर स्टेशन। ओके, तो फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर पचार मैंने बाय डिफॉल्ट हम आंसर हम अप्सरा, बा फास्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस न्यूक्लियर रिएक्टर जोटा है सैटा कौन अप्सरा, आदि फास्ट कमर्सियल बेसिस न्यूक्लियर रिएक्टर तार आंसर कौन हम ना तारापुर। ओके, तारापुर, तारापुर। ओके, तो अप्सराटा आपंकर के उन्नीस सौ सत्तावन तारापुरटा है आपंकर उन्नीसतरी कार्यक्षम हो जाता। ओके, तो अप्सरा, अप्सरा यार लोकेसन कौटी ना ट्रम्बे। ओके, ट्रम्बे, तारापुर, तारापुर, तारापुर भी महाराष्ट्र रे, ट्रम्बे भी आपंकर महाराष्ट्र, तो दुटा लोकेशन आम मैप्रे देखा। ओके, तारापुर, तारापुर आप तारापुरटा कौटी महाराष्ट्र ये रहा आठ जमी मुंबई अच्छे ये रहा ट्रम्बे। ओके, बम्बे, ट्रम्बे। ओके, ये ट्रम्बे अच्छे आपंकर ट्रम्बेटा, ट्रम्बे ठारे आपंकर अच्छे जो भाबा आटमिक रिसर्च सेन्टर। ओके, भाबा आटमिक रिसर्च सेन्टर, ये रिसर्च सेन्टर, रिसर्च सेन्टर में आपंकर किए अच्छे ना फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जोटे रिसर्च पर्पज कराइला, रिसर्च सक्सेसफुल आम तारापुर ठारे कौन ना कमर्सील पर्पज करते। ओके, रिसर्च ट्रम्बे ठारे भाबा आटमिक रिसर्च स्टेसन कैंपस जो फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना कौन ना अप्सरा। ओके, अप्सरा, ओके, अप्सरा 1957 रे एटा कोन ना कार्यक्रम स्टार्ट करथिले। ओके, तो लोकेशन देखले दुटा महाराष्ट्र रे फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कमर्सियल पई तारापुर रिसर्च पई आपनकर अप्सरा। ओके, तो एठी दे जो आपनकर एक्सप्लेनेशन देछि कि अप्सरा रीच्ड क्रिटिकली एट 3:45 PM ऑन 4th August 1955। 4th August 1955 3:45 PM रे अप्सरा कौन होता ना क्रिटिकल स्टेज रे पहुंचते। ओके, क्रिटिकल स्टेज कौन जानापी हेल्ले आमको न्यूक्लियर रिएक्टर भितर को जाए पड़े, न्यूक्लियर रिएक्टर भितर आमको तार न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट सब जाना पड़ो। कंपोनेंट रे चारटा मुख्यतः कंपोनेंट गोटे है फ्यूल एलिमेंट। फ्यूल एलिमेंट जमीक मोस्टली यूज होती यूरानियम हो गला, प्लूटो नियम होगा, थोरियम होगा, एगुड़ा सब कौन ना फ्यूल एलिमेंट। ओके, फ्यूल एलिमेंट पर आपंकर आसला नेक्स्ट कंपोनेंट कौन ना मॉडरेटर, मॉडरेटर तापर आस कंट्रोलिंग रॉड, तापर आसला कूलेंट। ओके, यही चारटा है आपंकर कौन ना मेन कंपोनेंट कौन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने आम कौन यही चारटा कंपोनेंट मुख्यतः दरकार। ओके, तो आम देखा कि क्रिटिकल स्टेज कौन जाना, क्रिटिकल स्टेज कौन जाना। ओके, तो न्यूक्लियर रिएक्शन आम जब देखिए न्यूक्लियर रिएक्ट करना आम गोटे न्यूट्रॉन को लेकिन कौन ना फ्यूल आम सपोज ना यूरानियम 235, 235 पर आम जो बमबार्ड करवा तो यूरानियम 235 कौन हम अनस्टेबल हो, अनस्टेबल हो कौन ना प्रडक्ट दब सपोज आपर किसी प्रडक्ट्स दे। ओके, प्रडक्ट्स दे। ओके, प्लस कौन दब ना तीन टा न्यूट्रॉन रिलीज हे आ कौन हम ना हीट एनर्जी रिलीज हे। ओके, कौन हम ना दुटा सपोज एक्स वाई आप एलिमेंट बाहर। ओके, तीन टा न्यूट्रॉन बाहर आ हीट एनर्जी बाहर। ओके, अगेन कौन हम ना न्यूट्रॉन कौन हम ये जो तीन टा न्यूट्रॉन बाहर से गोटे न्यूट्रॉन आपंकर कौन हम ना से गोटे न्यूट्रॉन जा कौन हम पुणी आउ गोटे यूरानियम 235 सहित कौन हम बमबाड़ हम बमबाड़ा पुणी अगेन एक्स वाई एलिमेंट बाहर। ओके, प्लस तीन टा न्यूट्रॉन प्लस हीट एनर्जी। ओके, अगेन दिस विल पुणी तीन टा न्यूट्रॉन गोटे न्यूट्रॉन जा कौन आ गोटे यूरानियम 235 से बाड़े कि कंटिन्यू चलो अनलिमिटेड पीरियड कौन एम यूरानियम चेन रिएक्शन चलो बुझे। तो ये आम गोटे न्यूट्रॉन स्टार्ट करते गोटे न्यूट्रॉन स्टार्ट करने द्वारा कौन ना आमको हीट एनर्जी बाहर यही हीट एनर्जी आम कौन करे ना आम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। ओके, तो वन्स स्टार्ट है मैंने तरह कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली सी चलो। ओके, चेन रिएक्शन चलो बुझे। तो
एटी जो आम कौन कहे ना गोटे न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 रे बाड़े हला तबरे यूरेनियम 235 कौन अनस्टेबल है कि दुटा एलिमेंट देला प्लस तीनटा न्यूट्रॉन प्लस हीट एनर्जी ओके तो ये जो तीनटा न्यूट्रॉन कौन कहे ना गोटे न्यूट्रॉन जाए आउ गए 235 यूरेनियम सहित बाड़े पुणी चेन रिएक्शन कंटिन्यू करे तो आज दुटा न्यूट्रॉन रहीगले 2n न्यूट्रॉन 2n प्लस n ओके तो यही दुटा न्यूट्रॉन कौटे गले ना यही दुटा न्यूट्रॉन आमको कौन चेन रिएक्शन टाक सस्टेन करार अच्छे बुझे तो यही जो दुटा न्यूट्रॉन को आमको काढ़ार अच्छे तो यही दुटा न्यूट्रॉन को कमी काढ़े ना यही दुटा न्यूट्रॉन को काढ़ापी आपर कौन रही है ना कंट्रोलिंग रड्स रही है ओके कंट्रोलिंग रड्स तो कंट्रोलिंग रड्स राम कौन हम ना जितेबाला आम कौन जो ये रिएक्शन कराइले ओके रिएक्शन कराइले तीन टा न्यूट्रॉन बाहर किमको दरकार गोटे न्यूट्रॉन जाइए नेक्स्ट यूरेनियम 235 सहित बाढ़ ठीक अच्छे तो ये दुटा न्यूट्रॉन को आम रिमूव करने कौन है ना कंट्रोलिंग रॉड्र हेल्प ना ओके ताकि आम सस्टेन वे कौन कर रिएक्शन टाक कंटिन्यू कर बुझे ये मॉडरेटर काम कौन ना एटी जो आपर कौन है ना यूरेनियम सहित बाड़ेगलापर न्यूट्रॉन कौन है ना तीन टा न्यूट्रॉन बाहर आपको गति कौन बहुत अधिक ओके बहुत अधिक ओके बहुत फास्ट पुणी ए न्यूट्रॉन जाइए कौन कर पुणी आउ गोटे यूरेनियम सहित बाड़े पुणी तीन टा न्यूट्रॉन एमती तो ये जो प्रोसेसटा ना बहुत फास्ट था तो जो प्रोसेस को कौन करने मॉडरेट करने आम कौन यूज करूँ मॉडरेटर मॉडरेटर यूज करूँ ओके मॉडरेटर ताकि जो न्यूट्रॉन तीन टा न्यूट्रॉन बाहर तापर से अदर यूरेनियम सहित बाड़े पुणी कंटिन्यूस चेन रिएक्शन हो जो फास्ट प्रोसेसटा को स्लो करने मॉडरेट करने आम कौन यूज कर मॉडरेटर ओके मॉडरेटर आज आम कौन प्रति रिएक्शन जो तीन टा न्यूट्रॉन बाहर तीन टू दुटा न्यूट्रॉन को सिस्टम रू काढ़ी ना आज गोटे न्यूट्रॉन से जाइए रिएक्शन कर तो ताद्वारा कौन आम गोटे सस्टेनेबल वे आम कौन करना रिएक्शन कंटिन्यू कर तो ये दुटा को काढ़ कम कहला ना कंट्रोलिंग रड्स ओके काढ़ कम है कंट्रोलिंग रड्स आउ यो न्यूट्रॉन रति को कमेपी कम आम क्या यूज कर मॉडरेटर ओके बुझेगा तो चार्टा कंपोनेंट आम पढ़ते इंपोर्टेंट फ्यूल एलिमेंट्स फ्यूल रे यूरेनियम 235 ना एग्जांपल फ्यूल मॉडरेटर मॉडरेटर कंट्रोलिंग रड देन कूलेंट ओके तो जदि आम इमेज मध्यम देखा ओके जो आम कौन कले ना न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 रे बम्बार्ड करेंगे तो यूरेनियम कौन हो अनस्टेबल है कि यूरेनियम 236 है ओके 236 यूरेनियम 236 तापर कौन हम ना जो आम कहते कि दुटा एलिमेंट दबो एक्स वाई एलिमेंट देते कौन ना के आर आउ बी अच्छे ओके प्लस तीन टा न्यूट्रॉन बाहर प्लस हीट एनर्जी ओके यही तीन टा न्यूट्रॉन कौन करा ना आम दुटा न्यूट्रॉन कौन कंट्रोलिंग रॉड मध्यम बाहर कर दबो यही गोटे जाइए पुणे नेक्स्ट यूरेनियम 235 सहित बाढ़ यूरेनियम अनस्टेबल है पुणे चेन रिएक्शन चलो ओके बुझे हो तो आम मोटामोटी भाव में बुझीगले कि कौन केमी रिएक्शन होटी ना न्यूक्लियर रिएक्टर भितर बुझे हो तो ये आम बुझे पढ़ते कौन ना अप्सरा रिच क्रिटिकल स्टेज आट 3:45 PM क्रिटिकल स्टेज मैंने कौन ना ये जो आम कहे कि रिएक्शन ने जो तीन टा न्यूट्रॉन बार से आम सस्टेनेबल वे रिएक्शन टाक कंटिन्यू करने आम कौन करा ना दुटा न्यूट्रॉन को काढ़ीदे ओके नेक्स्ट जो लास्ट न्यूट्रॉन रही है सी जाए पुणी रिएक्शन कंटिन्यू चलो तो ये जो सस्टेनेबल स्टेजटा आम जो पहुँचे कि हाँ ठीक अच्छे आम कौन ना कंट्रोल्ड वे कौन रिएक्शन टाक कंटिन्यू करेजटा कौन कह जाए क्रिटिकल स्टेज ओके बुझे तो यही स्टेजटा आम कितने पहुँचे 3:45 PM 4th August 1956 1956 पहुँची जाइए बुझे 1956 बेलू आम यहाँ कौन एसी इंडिया तो फास्ट आम फास्ट रिसर्च इनक्यूटर सक्सेस होता है कितने 4th August 1956 यही डेट्रे कौन ना पूरा एसीआर कौन इंडिया फास्ट कंट्री जी की सक्सेसफुल होता है कौन क्रिटिकल स्टेज पहुँचा बुझे तो मैंने आमर ये जो रिसर्च रिएक्टर रिसर्च स्टेशन ने आम जो रिसर्च करते हैं सक्सेसफुल होता कि ठीक अच्छे कमर्सील पर्पज कौन यूज करपर बुझे तो आम बुझीगले कि क्रिटिकल स्टेज कौन एवं जाना कि जो अप्सरा नेमिंग रीजन कौन ना देखो जो आम कहे कि जो तीन टा न्यूट्रॉन बाहर से न्यूट्रॉन स्पीड एत अधिक था कि लाइट्र बेगठार अधिक था ओके लाइट्र आलोकर गति ठार गति कौन अधिक थाए तो जितेबाला यहाँ जो व्टर अच्छे हेवी व्टर ओके हेवी व्टर से ही भितर जो कौन इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन गुड़ा आपर गति करती से जो लाइट बेगर लाइट से कौन आलोकित हो गति करती ओके तो ये जो लाइटा बाहर गति कला बेले ओके ठीक अच्छे से लाइटा कौन किसी ब्लू कलर देखा जाए ब्लू कलर देखा जाए आम अप्सरा कौन ना जलकन्या ओके जलकन्या तो जल भी ब्लू कलर ओके वाटर ब्लू कलर आई व्टर जो न्यूट्रॉन आप गति कै सी भी कौन ना ब्लू कलर दिए तो से कौन है ना जवाहरलाल नेहरू एथेरे कौन ना ये लाइट को देखिकी आना देते कौन ना अप्सरा बुझे अप्सरा ओके तो
ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛ ଅପସରା ରିଆକ୍ଟର, ଅପସରା ରିଆକ୍ଟରଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିଆକ୍ଟର। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 1957 କମିସନ୍ଡ ହେଇଥିଲା, 1957 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ବହୁତ ସାରା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇଠି କ'ଣ ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। 2009 ଏଇଟା ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଗେନ୍ 2018 ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଓପନ୍ ହେଇଛି, ପୁଣି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ପଜ୍ରେ ପୁଣି 2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଓକେ 2018 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅପସରା ୟୁ, ଅପସରା ୟୁ, ଅପସରା ୟୁ କ'ଣ ନା ଅପଗ୍ରେଡ଼େଡ଼। ଓକେ, ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼େଡ଼ କରାଯାଇଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆନ୍ସର ଆର କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସରା। ଓକେ, ତ ଅପସରା, ସାଇରସ, ଧ୍ରୁବ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ସବୁ ତିନିଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରମ୍ବେ ଠାରେ ଅଛି। ଓକେ, ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର, ଯେମିତି ହେଲା ମେନକା ହେଇଗଲା, ଅପସରା ହେଇଗଲା, ସାଇରସ ହେଇଗଲା, ଧ୍ରୁବ ହେଇଗଲା, ଓକେ, ଜର୍ଲିନା ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ସ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ସ ହାଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ କାପାସିଟି। ଓକେ, ହାଏଷ୍ଟ କାପାସିଟି କେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ୍ର ହାଏଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କାପାସିଟି ରହୁଛି? ଅପସନ୍ ସାର୍ ତାରାପୁର, ନରୋରା, କଲ୍ପକମ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଡନକୁଲମ୍। ଓକେ, କୁଡନକୁଲମ୍ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା କୁଡନକୁଲମ୍। କାହିଁକି କୁଡନକୁଲମ୍ ନା କୁଡନକୁଲମ୍ଟା ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ତ ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବହୁତ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଓକେ, କୁଡନକୁଲମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ଓକେ, ତ ଆର ଟୋଟାଲ୍ କାପାସିଟି ରହୁଛି କେତେ ନା 2000 ମେଗାୱାଟ୍ ରହୁଛି କାପାସିଟି। ଓକେ, 2000 ମେଗାୱାଟ୍, ଏଥିରେ କେତେଟା ନା ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ସ ରହିଛି, ପର୍ ୟୁନିଟ୍ର କାପାସିଟି କେତେ ନା 1000 ମେଗାୱାଟ୍। ତ 1000 ମେଗାୱାଟ୍ର ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ତ ଟୋଟାଲ 2000 ମେଗାୱାଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଓକେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା କେଉଁଟା ନା କୁଡନକୁଲମ୍, ଓକେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ। ତା'ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, କୁଡନକୁଲମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜିରୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜିରୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଜିରୋ କରିବା କଥା ଏଇଟା କହୁଛି ନା? ଅପସନ୍ ସାର୍ ଫର୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱେପନ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ଏ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ୱାର୍ଲଡ ହଙ୍ଗର, ଅପସନ୍ ସି ଟୁ ବିକମ୍ କାର୍ବନ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଓକେ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ଓକେ, ସୋ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଫର୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱେପନ୍ସ। ଓକେ, ଯେତିକି ବି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ ହେଉ କି ନନ୍ ଅନ୍ଅଫିସିଆଲ ହେଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱେପନ୍ସ ଅଛି ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱେପନ୍ସକୁ ଆମେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଓକେ, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଓକେ, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଜିରୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଆର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏ ୱାର୍ଲଡ ୱିଦଆଉଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱେପନ୍ସ। ଓକେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ୱେପନ୍ସ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, BCG ଇଜ୍ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିଜିଜେସ୍। କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ? BCG ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ବେସିଲ୍ କାଲମେଟ୍ ଗୁରେଇନ୍। ଓକେ, ବେସିଲ୍ କାଲମେଟ୍ ଗୁରେଇନ୍, ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁ ନା TB ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବା TB ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, TB ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ନା କେବେ ଦିଆଯାଏ ନା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ବା ଜନ୍ମ ହେବାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଏଇ BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ନିଆଯାଏ। ଓକେ, ନିଆଯାଏ, ତାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ ନା TBରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ବୁଝିହେଉଛି। 24 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଓକେ, 24 ମାର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରତିବର୍ଷ 24 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱ TB ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଏ TB ଉପରେ, ତ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଓକେ, ମନେ ରଖେ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଓକେ, ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8, ହ୍ୱିଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍। ଓକେ, ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍ର କିଏ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ଅପସନ୍ ସାର୍ UNEP, WHO, ଗାଭି ଆଉ ଫାଓ। ଓକେ, ଗାଭି ଆଉ ଫାଓ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଓକେ, ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା କ'ଣ ନା ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା। ଓକେ, କୋଭିଡ଼କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା କି କୋଭିଡ଼ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କହିଛି କି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍। ଓକେ, ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍, ଆନିମଲ୍ ଠାରୁ
एनिमल ठारू ओके ह्यूमन ह्यूमन को अफेक्ट करछ ओके बा ह्यूमन को इन्फेक्ट करछ ओके ओके ठीक अछि तो कोठ ना कोठी देखाई छि कि आमे कोन ना ह्यूमन जदि कोन ना एनवायरमेंट को अफेक्ट करछि एनवायरमेंट को अफेक्ट करछि तार आर इम्पैक्ट कोन ना हमर जो अछंती एनवायरमेंट ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट आमे भी डायरेक्टली डिपेंडेंट ओके तो जो एनिमल्स को ऊपर पड़ुछि से एनिमल्स को थरु कोन होछि ना ये जो कोन होछि इन्फेक्शन टा का को आछि ना ह्यूमन पखु आछि ओके तो कोन होछि ना तो ह्यूमन पाखे जो इनफेक्टस डिजीज देखा कौटि ना कौटी कौन ना आनिमल्स ठारू ह्यूमन को आके ह्यूमन को आटा कौन ना ह्यूमन जिते बड़े एनवायरमेंट को इम्बालांस कर तो आनिमल ठारू कौन ना डिजीजा ह्यूमन पाखक आके तो कौन है ना गोटे रिसेंट डाटा जना पड़ी ओके सर्वे रिपोर्ट रू ओके कि प्रति वर्ष जो पांचटा नुआ डिजीज देखा हो फाइव न्यू डिजीजेस ओके से कौन ना तीन टा कौन ना डिजीज आम को कौन ना आनिमल्स ठारू ह्यूमन को आसता है ओके आनिमल्स ठारू ह्यूमन को आसता है प्रति पांचटे तीन टा डिजीज कौन ना आनिमल ओरिजिन ओके आनिमल ठारू ह्यूमन को इनफेक्ट करता है ओके ठीक अच्छे तो और वर्तमान समय रे जो 60% इन्फेक्टियस डिजीज रही से कौन ना एनिमल ठारू ह्यूमन को आके एनिमल ठारू ह्यूमन को आउटा 60 एक्जिस्टिंग जो इन्फेक्टियस डिजीजेस रही है से 60% कौन ना प्रथम से एनिमल पाखे देखा होता है धीरे धीरे कौन ना एनिमल ठारू ह्यूमन को आके तो कौटी ना कौटी कौन इधर आम जानूचे कि जदि आम एनवायरमेंट को इम्बालांस करूचे ओके एनवायरमेंट को इम्बालांस करूचे तो कौन हो एनिमल ठारू डिजीज कौन ना ह्यूमन को आके ट्रांसफर होके आके तो आम कौन करा पड़ो ना आम कौन करा पड़ो ना गोटे कौन ना होलिस्टिक ओके होलिस्टिक अप्रोच नवाक पड़े होलिस्टिक अप्रोच ताद्वारा कौन हम ना डिफरेंट डिफरेंट जो अच्छे आमर कौन अपेक्स इंस्टीट्यूशन रही कौन ना परस्पर कौन करेंगे ना नॉलेज शेयरिंग करेंगे ओके परस्पर सहित नॉलेज शेयरिंग करेंगे ताद्वारा कौन हम ना आम गोटे वन हेल्थ सिस्टम आनीपर फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये कौन करियो ना एनिमल्स को पाखरे जो जो डिजीज देखा होचे ओके एनिमल्स को जो जो डिजीज देखा होचे तार नॉलेज शेयर करियो कहा सहित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सहित ओके तो ता द्वारा कौन हम ना ये जो नॉलेज शेयरिंग करिया द्वारा तो आम जानपर कि कौन ना कौ जिनसा ह्यूमन को फ्यूचर में अफेक्ट करफेक्ट करुच्चे तो तार आम कौन कर प्रतिषेध या बुझे तो सेमती कौन आउ कौ कौ ऑर्गेनाइजेशन ये जो वन वर्ल्ड वन हेल्थ कैंपेन में सामिल होती वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल अच्छा ना जमती कि आमर हो गला फाओ हो गला फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हो गला ओआईई हो गला वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ओके एनिमल हेल्थ तापर आपणकर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हो गला आ गोटे आपणकर डब्ल्यूएचओ हो गला ओके डब्ल्यूएचओ हो गला तो पचार कौन ना क्वेश्चन पचार कि नॉट ए पार्ट ऑफ वन हेल्थ सिस्टम तो नॉट ए पार्ट तो आम देखिले किए किए पार्ट अच्छा ना यूएनएपी अच्छी डब्ल्यूएचओ अच्छी फाओ अच्छी तो गावी इज नॉट ए पार्ट ऑफ वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल सो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर ओके ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 9 हुई अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट ओके करेक्ट पेयर पचारे गोटे लिस्ट वन डिजीजेस लिस्ट टू रही कॉज्ड बाय ओके सो चिकन गुनिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इट इज रॉन्ग ओके चिकन गुनिया और डेंगी एटा हमरो कौन ना वायरस द्वारा कॉज्ड बाय वायरस ओके वायरस इज रेस्पोन्सिबल फॉर चिकन गुनिया और डेंगी ओके कौन दे माइसीटोमाटा लिखी कि कौन ना माइट्स द्वारा होता है ओके ना माइसीटोमा कौन माइसीटोमा किए रेस्पोन्सिबल ना माइसीटोमा बैक्टेरिया ओके बैक्टेरिया फंगल बैक्टेरिया फंगस ओके बैक्टेरिया फंगस ट्राकोमाटा गोटे कौन ना बैक्टेरियल डिजीज ओके तो यही पेयरटा ठीक अच्छे ओके ट्राकोमाटा गोटे कौन ना बैक्टेरियल डिजीज ओके तो देखीद आउ थे चिकेन गुनियाटा है कौन ना चिकेन गुनिया आउ डेंगी कौन ना
ଭାଇରସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କି ଭାଇରସ୍ ଆଉ ମାଇସିଟୋମା ଆଉ ଟ୍ରାକୋମା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଓକେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ସୋ ଟ୍ରାକୋମା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର୍ ଟେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଫେନୋମେନା ହେଲ୍ପ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ସ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସଏଲ୍ ଓକେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ସଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଅଛି ସେ ୱାଟର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓକେ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ ଗଛର ଚେର କ'ଣ କରେ ନା ମାଟିରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ଶୋଷିକି ଯେଉଁ ନିଏ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ତା'ର ନାଁଟା ପଚାରିଛି ଓକେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଅସ୍ମୋସିସ୍ କ'ଣ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜାର୍ରେ ଓକେ ଜାର୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ସେମି ପରମିଏବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ରଖିଲେ ଓକେ ଗୋଟେ ପଟ ଆମେ ରଖିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ୱାଟର୍ର ପରିମାଣ ବେଶୀ ଆର ପଟ ରଖିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ୱାଟର୍ର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ଓକେ ୱାଟର୍ର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ଓକେ ୱାଟର୍ର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ସପୋଜ୍ ଏପଟେ ରଖିଲେ ଆପଣ ୱାଟର୍ ରଖିଲେ ଏପଟେ ରଖିଲେ ଚିନି ଶିରା ଓକେ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ଚିନି ଶିରାରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ଓକେ ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ରଖିଲୁ ଓକେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ୱାଟର୍ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ଏଠି ୱାଟର୍ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କମ୍ ଓକେ କମ୍ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିକ୍ଚର୍ଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେବ ଏଇପଟେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ନା ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ ଏଇପଟେ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଚିନି ଶିରା ଓକେ ତ ଏଇଠି ପାଣିର ପରିମାଣ କ'ଣ ବେଶୀ ଏଇଠି ପାଣିର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣିର ପରିମାଣ କ'ଣ ଏଠି ବେଶୀ ଏଠି ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିତ୍ର କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେବ ଯେଉଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଶୀ ପାଣି ଥିଲା ସେଇପଟ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଣି କମ୍ ପାଣି ଥିବା ସେକ୍ସନ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ ଓକେ ବୁଝି ତ କ'ଣ ହେବ ନା ୱାଟର୍ କ'ଣ ହେବ ନା ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି ଥିଲା ଅଧିକ ଏଇପଟେ ଥିଲା ହାଇ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋ କେଉଁଠି ଥିଲା ଏଇପଟେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ୱାଟର୍ ହାଇ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଲୋ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଫ୍ଲୋ କରିବ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଥ୍ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ନା ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେମ୍ ନ ହୋଇଛି ଓକେ ତ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସେମ୍ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ ବୁଝିହେଉଛି ସେମିତି ସଏଲ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଅଛି ଓକେ ସଏଲ୍ରେ ୱାଟର୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ର ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଅଛି ସେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ୱାଟର୍ ଅଛି ଓଭିୟସ୍ଲି ସଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ଅଛି ୱାଟର୍ ସଏଲ୍ରେ ଥିବା ୱାଟର୍ର ପରିମାଣ କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ୱାଟର୍ ପରିମାଣଠୁ ଅଧିକ ତ ୱାଟର୍ର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଛି ହାଇ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋ କେଉଁଠି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ସରେ ଓକେ ତ ହାଇ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ୱାଟର୍ଟା ମୁଭ୍ କରିବ ଓକେ ୱାଟର୍ଟା ମୁଭ୍ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଲ୍ ଅଛି ସେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି କ'ଣ ହେବ ନା ହାଇ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହାଇ ଯେଉଁଠି ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହାଇ ଅଛି ଓକେ ସେଇଠୁ ୱାଟର୍ଟା କେଉଁଠି ଯିବ ନା ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେଲ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଲୋ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓକେ ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଛି ଓକେ ହାଇ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋ ୱାଟର୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ଏଠି ବି କ'ଣ ନା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ମେଥଡ଼୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଓକେ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଫେନୋମେନା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ କଥା ସେ ପଚାରିଥିଲା କି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଫେନୋମେନା ହେଲ୍ପ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ସ ଟୁ ଅବଟେନ୍ ୱାଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସଏଲ୍ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ କ'ଣ ସି ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ସଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ଟା ଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ନା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁଟ୍ରୁ ପୁଣି ଉପର ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନାଟା ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ୱାଟର୍ କମ୍ ମାନେ ଲୋୟର୍ ଲେବଲ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ନା ହାୟର୍ ଲେବଲ୍କୁ ୱାଟର୍ ନେବାର ଅଛି ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ହେଲ୍ପ ନେଉଛେ ଯେମିତିକି ୱାଟର୍ ପମ୍ପ ଓକେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ନାହିଁ ଏଇ ତଳେ ଥିବା ପାଣିକୁ ସେ ଗଛର ଉପର ଭାଗକୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଓକେ ତ ଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫେନୋମେନା ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଓକେ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାଟର୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରୁଟ୍ରୁ ଟପ୍ ପାର୍ଟକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି ବୁଝିହେଉଛି ତ ସଏଲ୍ରୁ ୱାଟର୍ ରୁଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଟପ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଲାରି ଆକ୍ସନ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର୍ 11 ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେଷ୍ଟ ଅନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଲଜ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆବୋଭ୍
ऑलरेडी आम क्वेश्चन नंबर थ्री रे देखते कि क्वेश्चन नंबर थ्री आम देखते गोटे लाइन पढ़ते आम कि अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टरटा जो अच्छी आपंकर कौन ना क्रिटिकल स्टेज में पहुंचाला तीन टा पैंचा 4th August 1956 तीन टा 45 क्रिटिकल स्टेज में पहुंचाला। क्रिटिकल स्टेज मैंने कौन ना जितेबाला न्यूट्रॉन कौन हो ना यूरेनियम सहित बाड़े हो यूरेनियम कौन हो ना अनस्टेबल हो जाए अनस्टेबल हेल्ले दुटा एलिमेंट प्लस एनर्जी आनटा न्यूट्रॉन दौर ओके तीनटा न्यूट्रॉन दौर क्रिटिकल स्टेज मैंने कौन ना यो तीन टा न्यूट्रॉन बाहर ये तीन टा न्यूट्रॉन आम दुटा न्यूट्रॉन को कौन करवा ना न्यूक्लियर रॉड कंट्रोलिंग रॉड द्वारा बाहर करदे आमर डिजायर रिक्वायरमेंट कौन ना गोटे न्यूट्रॉन ये गोटे न्यूट्रॉन जीव जमी रिएक्शन स्टार्ट होता सेम न्यूट्रॉन जीव पुणी आउ गोटे यूरेनियम सहित बाड़े हो पुणी प्रोसेस कंटिन्यू कर पुणी तीन टा न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी बाहर ये तीन टा न्यूट्रॉन पुणी आम कौन करवा ना दुटा न्यूट्रॉन आम प्रोसेस काढ़ीदे गोटे सिंगल न्यूट्रॉन बढ़ जाओ सी पुणी कौन ना रिएक्शन एमती कंटिन्यू कर चलो तो ये चेन रिएक्शन टाक आम कौन ना सस्टेनेबल वे जो करुचे ओके बा सस्टेन करके आम रखिपार रिएक्शन ओके तो सहीटा को कौन कौचे ना ना आम कौचे क्रिटिकल स्टेज ओके क्रिटिकल स्टेज के अटेंड करचे ना जिते आम कंट्रोल्ड वे न्यूक्लियर फ्यूजन करचे ओके कंट्रोल्ड वे कौन करचे ना आम डिवाइड करचे बुझे कंट्रोल्ड वे तो ये रिएक्शन टाक आम जब कंट्रोल्ड वे करे से आम कौन कौचे ना आम क्रिटिकल स्टेज में पहुंची गले बुझे तो ये ऑप्शन दे आपर क्वेश्चन नंबर 11 रे ओके क्वेश्चन नंबर 11 रे कि न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को प्रिंसिपल आधारित ताल आंसर हम कौन राइट आंसर कौन हाँ ना कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन ओके यूरेनियम आप डिवाइड होगा कौन आर राइट आंसर हम कौन ना कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 11 न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को न्यूक्लियर रिएक्शन जो होची को प्रिंसिपल होची ऑप्शन सर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स नॉन ऑफ द अबव ऑलरेडी आम क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते कि क्वेश्चन नंबर थ्री आम देखते गोटे लाइन पढ़ते आम कि अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टरटा जो अच्छी आपंकर कौन ना क्रिटिकल स्टेज में पहुंचाला तीन टा 4th August 1956 तीन टा 45 क्रिटिकल स्टेज में पहुंचाला। क्रिटिकल स्टेज मैंने कौन ना जितेबाला न्यूट्रॉन कौन हो ना यूरेनियम सहित बाड़े हो यूरेनियम कौन हो ना अनस्टेबल हो जाए अनस्टेबल हेल्ले दुटा एलिमेंट प्लस एनर्जी आनटा न्यूट्रॉन दौर ओके तीन टा न्यूट्रॉन दौर क्रिटिकल स्टेज मैंने कौन ना यो तीन टा न्यूट्रॉन बाहर ये तीन टा न्यूट्रॉन आम दुटा न्यूट्रॉन को कौन करवा ना न्यूक्लियर रॉड कंट्रोलिंग रॉड द्वारा बाहर करदे आमर डिजायर रिक्वायरमेंट कौन ना गोटे न्यूट्रॉन ये गोटे न्यूट्रॉन जीव जमी रिएक्शन स्टार्ट होता सेमती न्यूट्रॉन जीव पुणी आउ गोटे यूरेनियम सहित बाड़े हो पुणी प्रोसेस कंटिन्यू कर पुणी तीन टा न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी बाहर ये तीन टा न्यूट्रॉन पुणी आम कौन करवा ना दुटा न्यूट्रॉन आम प्रोसेस काढ़ीदे गोटे सिंगल न्यूट्रॉन बढ़ जाओ सी पुणी कौन ना रिएक्शन एमती कंटिन्यू कर चलो तो ये चेन रिएक्शन टाक आम कौन ना सस्टेनेबल वे जो करुचे ओके बा सस्टेन करके आम रखिपार रिएक्शन ओके तो सहीटा को कौन कौचे ना ना आम कौचे क्रिटिकल स्टेज ओके क्रिटिकल स्टेज के अटेंड करचे ना जिते आम कंट्रोल्ड वे न्यूक्लियर फ्यूजन करचे ओके कंट्रोल्ड वे कौन करचे ना आम डिवाइड करचे बुझे कंट्रोल्ड वे तो ये रिएक्शन टाक आम जब कंट्रोल्ड वे करे से आम कौन कौचे ना आम क्रिटिकल स्टेज में पहुंची गले बुझे तो ये ऑप्शन दे आपर क्वेश्चन नंबर 11 रे ओके क्वेश्चन नंबर 11 रे कि न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को प्रिंसिपल आधारित ताल आंसर हम कौन राइट आंसर कौन हम ना कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन ओके यूरेनियम आपर डिवाइड हो तो यहाँ कौन आर राइट आंसर हम कौन ना कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजियन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 13 दि एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल्स टू रीजेनरेट इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड ऑप्शन सर प्लुरिपोटेंसी टोटिपोटेंसी मल्टीपोटेंसी नॉन ऑफ दि अबव ओके कौन कौन ना गोटे जदि प्लांट सेल रो दक्षता रोचे गोटे प्लांट सेल रु जदि गोटे कंप्लीट प्लांट डेवलप हो पारे ओके कंप्लीट प्लांट डेवलप हो पारे ताल यो सेल रे एबिलिटी को कौन कहुए ओके ये एबिलिटी कौन कहुए यूजुअली आम कौन करूँ ना आईदर गोटे प्लांट रो पार्ट को काटिकी आम मटी पोत दौ जमीक मन आखु गचर आखुर गोटे पार्ट को आम काटिक मटी पोतले से कौन हम ना सुगर केन प्लांट हम बात गोटे सीड आम पोतुचे तेल से सीड्रु कौन हाँ ना प्लांट डेवलप हुए ये कौन ना सेल ओके सेल प्लांट सेल
सिंगल सेल आम जब नहीं कि सिंगल सेल रक्षता कौन रोचे ना ये गोटे प्लांट डेवलप ओब्वियसली यहाँ कौन लैबोरेटरी कंडीशन ही हो पारे ओके तो ये सेल रो एबिलिटी को कौन कहो ओके सेल रु गोटे प्लांट जनरेशन होवार जो यही सेल रो एबिलिटी कौन कहो ना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टोटी पोटेंसी ओके से जो सेल रहा कौन कहा ना टोटी पोटेंसी जब टोटी पोटेंसी थी तेल कौन हे ना से सेल रु गोटे प्लांट डेवलप हो पार लैबोरेटरी कंडीशन ओके सो प्लांट सेल्स कल्चर्ड इन विट्रो मैंने लैबोरेटरी कंडीशन में जिते कल्चर कैन अल्टीमेटली गिव राइज टू कंप्लीट प्लांट्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू रीजेनरेट इन टू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड टोटी पोटेंसी ये प्लांट सेल रो एबिलिटी कौन कहे ना टोटी पोटेंसी जदि टोटी पोटेंसी थोड़ा से सेल रू गोटे कौन हम ना गोटे प्लांट जेनेट करहब कौटे लैबोरेटरी कंडीशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 15 सेफ्टी फ्यूज वायर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ लो ओके लो रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट और लो स्पेसिफिक ग्राविटी और लो कंडक्टेंस ओके पचार छि कि हमर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रहउछि सेथरे जो सेफ्टी फ्यूज वायर यूज होउछि ओके तार कौन हमर कैरेक्टरिस्टिक्स रहा दरकार फीचर रहा दरकार ओके आम ऑलरेडी लास्ट क्लास लास्ट साइंस एंड टेक टेस्ट नंबर आई थिंक 10 ओके 10 रे टेस्ट नंबर 10 रो सॉरी टेस्ट नंबर 9 रो ओके फ्यूज वायर ऊपर क्वेश्चन दला से हम डिस्कस करथले फ्यूज वायर विषय रे तो सेठे हम डिस्कशन करथले कोन ना फ्यूज वायर रो कोन फीचर रे दरकार कि एटा कोन ना तार हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट रहा दरकार ओके हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट रही है सही फेज फ्यूज वायरटा कौन एफिशिएंट भाव में काम कर आमर जहाँ पर्पज अच्छे सॉल्व कर बुझे तो ये कौन कही मेड अप ऑफ मेटल ऑफ लो ओके लो दे तो लो दे आमर कौन दरकार हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट क्वेश्चन पचार लो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लो मेल्टिंग पॉइंट ओके लो मेल्टिंग पॉइंट जब हाई दे था हाई रेजिस्टेंस होता ओके सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 16 जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सर फूड वाटर बोथ फूड एंड वाटर आउ न्यूट्रिएंट्स ओके सो वास्कुलर प्लांट्स रे हमर दी प्रकार टिश्यू था गोटे जाइलम आ गोटे फ्लोएम ओके जाइलम आउ फ्लोएम जाइलम रे कौन हुए ना वाटर आउ न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम रे कौन होता है ना फूड ट्रांसपोर्ट होता है ओके ओके फूड ट्रांसपोर्ट होता है सपोज पत्र आपर कौन है ना फूड प्रोसेसिंग हो तो पत्र जो फूड है तो गच्छर अदर पार्टस को जीवापी तो कौ टीस्यू देखिए जीव ना फ्लोएम टीस्यू सेमती गच्छर मनकर चेर चेर कौन कला आपर ना चेर दे कौन मटीर जल चेर को आसा चेर रूपर गच्छर अदर पार्टस को जल पहुँचापी कौ टीस्यू दरकार पड़ो ना जाइलम टीस्यू ओके जाइलम टीस्यू सो कन्फ्यूज न होगापी आप मन रखिए ना जाइलम जाइलम ज सुबा जो ओके ज प्रोनाउंसिएशन ज रु कौन ना जल 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 रू है वाटर ओके सो बोथ वाटर आउ न्यूट्रिएंट्स कौन थे ट्रांसपोर्ट हे वाटर आउ न्यूट्रिएंट्स कौन थे ना जाइलम रे फ्लोएम 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 फ सुबा हो फ रु कौन हम ना फूड ओके फूड सो फ्लोएम टीस्यू कौन हम ना फ्लोएम टीस्यू कौन हम ना फूड ट्रांसपोर्ट हम ओके फूड ट्रांसपोर्ट हम बुझीगला सो जाइलम पचार ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 17 द स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस ह्यूमन रेस रे जो इंप्रूवमेंट होती आज ओके तो बाय इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट रे इंप्रूवमेंट हवा द्वारा ह्यूमन रेस रे केमती इंप्रूवमेंट होती है ये स्टडीटा कराए स्टडी को कौन कहा जाए ऑप्शन सर यूथेनिक्स यूजेनिक्स यूफेनिक्स एटियोलॉजी सो आर राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए यूथेनिक्स ओके यूथेनिक्स 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 सो ये कंटेक्स में सब जगह कौन डेफिनेशन मन रखे ओके यूथेनिक्स यूथेनिक्स कौन करा जाए ना आमर ह्यूमन रेस रो जो डेवलपमेंट होती कौन ना एनवायरनमेंट रो प्रभाव कौन ओके तो ये जो जिनसा एनवायरनमेंट रो डेवलपमेंट हवा द्वारा ह्यूमन रेस रो डेवलपमेंट होता है ये स्टडीटा कौन कहा जाए ना यूथेनिक्स ओके यूथेनिक्स यूजेनिक्स कौन हुए ना हेरेडिटी लॉज ऑफ हेरेडिटी हेरेडिटी जमी मन पिता ठार गुण आस पुत्र पुत्र ठार तार नेक्स्ट पीढ़ी पाख तो ये जो हेरेडिटी ओके हेरेडिटी ओके तो इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू लॉज ऑफ हेरेडिटी हेरेडिटी अनुसार ह्यूमन इंप्रूवमेंट को जो स्टडी करने को कौन कहा जाए ना यूजेनिक्स
यू फेनिक्स रे कौन हुए ना ह्यूमन रेस रे इम्प्रूवमेंट बाय ड्रग ट्रीटमेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग। आम कौन ना लैबोरेटरी कंडीशन रे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो जीन रे जहाँ डिफेक्ट अच्छे आम कौन डिलीट करके भल जीन डेवलप कर बुझे कि ना। तो ये जो गोटे लैबोरेटरी कंडीशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग मध्यम ह्यूमन रेस रे इम्प्रूवमेंट है से स्टडीटा कौन कहुए यू फेनिक्स ओके यू फेनिक्स। एटियोलोजी कौन कहे ना एटियोलोजी कहे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द लाइफ साइकिल ऑफ कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिजीज। जो डिजीज कजिंग ऑर्गेनिजम्स अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तांकर लाइफ साइकिल स्टडी करिया को कौन कहा जाए ना एटियोलोजी। ओके एटियोलोजी है कौन ना डिजीज कजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल स्टडी करिया को एटियोलोजी कहा जाए। ओके सो क्वेश्चन नंबर पचार दि स्टडी ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय इंप्रूविंग एनवायरनमेंट इंप्रूव हवा द्वारा ह्यूमन रेस रे जो इंप्रूवमेंट है सही स्टडी टाइम कौन कहुए ना यूथेनिक्स ऑप्शन ए इज दि राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 18 सीरियल्स आर ए रिच सोर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स रे कौन कौन आम मैंने कोई जिनसटा बेस अधिक था ऑप्शन सर स्टार्च माल्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो ओब्वियसली आर आंसर कौन हम वेरी इजी ये कौन ना स्टार्च। ओके स्टार्च जमीक सीरियल ग्रेन्स जमी रही है राइस रहे ह्विट होगा कर्न होगा एथेरे कौन अच्छी ना बेसी परिणाम कौन अच्छे ना श्वेतसार। तो एथेरे जो अच्छे स्टार्चटा कौन हाँ ना मोस्ट कमन फर्म अफ कार्बोहैड्रेट। ओके राइस ह्विट कर्न एमर कौन कार्बोहैड्रेट थाए स्टार्चटा हूँ कौन ना मोस्ट कमन फर्म अफ कार्बोहैड्रेट जोटा कि ये सीरीयल्स गुड़ा थाए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर स्टार्च। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा